अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टीवी। जी व्यूवर्स, आपको बता दें कि अदाकार इमरान अशरफ की एक्स वाइफ की रेनिश वाका फिरोज खान और साहब के अहलिया अली से सुल्तान के मुतालिक तहलका खेस इनकशफात। इमरान अशरफ फिरोज खान में कौन सी चीज़ें रिजेंबल करती हैं, दोनों ने क्यों एक साथ तलाक दी और ये न्यूज़ इन अदाकारों के फैंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी रही। अली से सुल्तान कैसी तबीयत की मालिक है, आखिर की रेनिश वाक ने अपने लाइव सेशन में किन चीज़ों से पर्दे उठाए, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे आने वाले न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक लास्ट में देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिसेंटली इमरान अशरफ की साहब के अहलिया की रेनिश वाक ने लाइव सेशन किया, जिसमें उन्होंने अपने इमरान अशरफ की तलाक के बारे में खुलकर बातें की और कई वजूहात भी बताई जिसकी बना पर इन्हें तलाक हुई। किरण ने बताया कि इमरान और इनके दरमियान अब मोहब्बत बड़े नाम रह गई। इनका कहना था कि इमरान अशरफ बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छा अदाकार है, लेकिन शौहर के रूप में मैंने इन्हें बहुत बुरा पाया। फैंस के सवाल पर कि आपका और इमरान अशरफ का रिलेशन बहुत मजबूत लगता था, जिसके जवाब पर किरण का ये कहना था, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। इनका मजीद ये भी कहना था कि रिलेशन खत्म हो जाता है जब इसमें डिसरिस्पेक्ट आ जाए, और शोबिस से तल्लुक रखने वाले लोग फ्रॉड ही होते हैं, बेशक बाकी तमाम लोगों के लिए आइडियल हों। इमरान अशरफ की कहानी फिरोज खान से काफी हद तक मिलती नजर आती है। फिरोज खान के हवाले से बात करते हुए किरण अशफाक का कहना था कि अलीजा सुल्तान बहुत स्ट्रांग औरत है, वो जिस तरह अपने केस को लड़ रही है यह हर किसी के बस की बात नहीं। फिरोज खान जैसे इंसान के खिलाफ लड़ना ये आसान बात नहीं। व्यूवर्स, इनका मजीद ये भी कहना था कि लीजिए बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, जो कि अकेले बच्चों को पाल रही है। आपको किरण अशफाक की ये लाइव सेशन स्टेटमेंट कैसी लगी, कमेंट सेशन में अपनी कीमती राय का सर जरूर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।